मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों की हड़ताल आज आठवें दिन भी जारी रही। इस बीच बुरहानपुर के संविदा कर्मियों ने अनोखा प्रदर्शन किया और संविदा कर्मियों ने पानी में खड़ा रहकर जल सत्याग्रह कर विरोध जताया। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि संविदा कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। हमारी मांग है कि सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और निष्कासित साथियों को पुनः बहाल किया जाए। अब तक संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी। जिंदाबाद भारत माता की जय।